हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से तोशीन टेक चैनल में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पिंटरेस्ट ऐप की इमेजेस को अपने फ़ोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो जो तरीका मैंने आपको बताया था उससे काफ़ी सारे लोग तो पिंटरेस्ट ऐप की इमेजेस को गैलरी में सेव कर पा रहे थे, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, उनके फ़ोन में गैलरी में इमेजेस जो है सेव नहीं हो रही थी। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि आप अपने पिंटरेस्ट ऐप को अपडेट करेंगे तो आपके फ़ोन में भी गैलरी में इमेजेस जो है सेव नहीं होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो पहले मैंने तरीका बताया था उससे भी डाउनलोड करके बताऊंगा, लेकिन अगर आपके फ़ोन में उस तरीके से डाउनलोड नहीं हो रही है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे कि आप अपने फ़ोन की गैलरी में पिंटरेस्ट ऐप की इमेजेस को डाउनलोड कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरे फोन में जो पिंटरेस्ट ऐप है वो अपडेटेड है। देख सकते हैं यहां पर मैं आपको प्ले स्टोर ओपन करके दिखा देता हूं, यहां पर किसी तरीके का कोई अपडेट जो है शो नहीं हो रहा है। मेरे फोन में जो पिंटरेस्ट ऐप है वो अपडेटेड वर्जन ही है और यहां पर किसी भी तरह का कोई भी अपडेट शो नहीं हो रहा है। तो यहां से देख सकते हैं, सिंपली मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी इमेजेस शो हो रही है और सबसे पहले मैं आपको गैलरी में लेके चलता हूं और दिखा देता हूं कि मेरे फोन में अभी किसी तरह की कोई भी पिंटरेस्ट इमेजेस जो है वो सेव नहीं है। देख सकते हैं यहां पर किसी तरह की कोई पिंटरेस्ट इमेजेस जो है सेव नहीं है। तो मैं आपको एक पिंटरेस्ट ऐप इमेज को वहां से सेव करके डाउनलोड करके बता देता हूं। जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूं। तो देख सकते हैं मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद मैं डाउनलोड इमेज पर क्लिक करता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं इमेज सेव्ड का नोटिफिकेशन है आ चुका है। तो अब देख लेते हैं गैलरी में कि वो जो इमेज है वो गैलरी में सेव हुई है या नहीं हुई है। तो यहां पर देख सकते हैं मैं आपको गैलरी ओपन करके दिखा देता हूं, जो इमेज है वो सेव हो चुकी है। तो दोस्तों, अपडेट करने के बाद में भी पिंटरेस्ट ऐप की इमेजेस जो है गैलरी में सेव हो रही है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में गैलरी में जो है इमेजेस सेव नहीं हो रही है। तो आपको दोस्तों मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूँ जिससे कि आप जो है पिंटरेस्ट ऐप की इमेजेस को गैलरी में सेव कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो देख सकते हैं प्लस डाउनलोड इस ऐप का नाम है, यहां पर कुछ इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, आपको इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, पिंटरेस्ट ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको पिंटरेस्ट ऐप को ओपन करके दिखा देता हूँ और आपको कोई भी यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप यहां पर कोई भी इमेज को सेलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं यहां पर इतनी सारी इमेज है, कोई भी इमेज आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं। इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद में देख सकते हैं अगर आपकी जो फ़ोन आपके फ़ोन में डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन से इमेजेस जो है सेव नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद में थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, जो मोर वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्लस डाउनलोड, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला जो आइकन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लोडिंग का नोटिफिकेशन है वो शो हो रहा है और उसके बाद में देख सकते हैं जो इमेज है वो यहाँ पर, मैं एक बार वो ट्राई कर देता हूँ, देख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो इमेज है वो लोड हो रही है और यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है कि इमेज सेव टू योर डिवाइस। तो अब देख लेते हैं गैलरी में कि ये जो इमेज है वो गैलरी में शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये जो इमेज है अभी गैलरी में शो नहीं हो रही है। आपको क्या करना है इसको गैलरी में शो करने के लिए, सिंपली से जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में यहां पर सर्च कर लेना है प्लस डाउनलोड। प्लस डाउनलोड का जो फोल्डर है वो यहां पर देख सकते हैं आपको सर्च रिजल्ट में मिल जाएगा, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में ये जो इमेज है देख सकते हैं वही इमेज है जो हमने वहां से डाउनलोड की है पिंटरेस्ट ऐप से। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पिंटरेस्ट ऐप की जो इमेज थी जो हमने प्लस डाउनलोड की मदद से डाउनलोड की थी वो यहाँ पर आ चुकी। तो यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको मूव करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ये जो कट वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बैक, और बैक आने के बाद में DCIM के फोल्डर में एक कैमरे का फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और अब चलते हैं गैलरी में और देखते हैं कि ये इमेज जो है गैलरी में शो हुई है या नहीं।
तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं गैलरी में ये इमेज जो है शो हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है पिंटरेस्ट टाइप की इमेजेस को अपने फोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।